नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनेत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डेनमार्क के प्रतिनिधिमंडल ने देखा प्रदेश कार्यालय और मीडिया सेंटर। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का प्रदेश कार्यालय व मीडिया सेंटर में हुआ जोरदार स्वागत। पार्टी पदाधिकारियों से जानी पार्टी की कार्यप्रणाली, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और पार्टी के मिशन और विजन पर की चर्चा। लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाली विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा को जानने के लिए आए डेनमार्क के दूतावास के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय व मीडिया सेंटर पर दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के प्रदेश विभाग के प्रदेश संयोजक रोहित गंगवाल, सह संयोजक डॉक्टर सुधांशु गुप्ता एवं सदस्य डॉक्टर राहुल जैन के साथ प्रदेश कार्यालय का भ्रमण किया और पार्टी पदाधिकारियों से भेंट कर पार्टी की कार्यप्रणाली को समझा। प्रदेश कार्यालय व मीडिया सेंटर में प्रतिनिधिमंडल का आत्मीय स्वागत किया गया। मिस्टर जोय यहाँ पे आज आए हुए हैं मोदी जी से प्रभावित होकर कि बीजेपी का क्या कल्चर है, इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, कैसे वर्क करती है, उनका मिशन क्या है, विजन क्या है, वर्ल्ड कल्चर क्या है, ये सबको जानने के लिए मोदी जी प्रभावित होकर भाजपा को जानने के लिए आज उन्होंने बीजेपी कार्यालय का एक एक डिपार्टमेंट देखा, बीजेपी कैसे वर्क करती है देखा। आज सोशल मीडिया यहाँ का सेल आया, वो कैसे वर्क करता है ये कह रहा। इसी के तहत हमारे पिछले लास्ट वीक में भी हमारे तंजानिया से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, जर्मनी से भी आ रहे हैं और आगे भी ये जो भाजपा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नो बीजेपी इनिशिएटिव है उसके कारण ये आज पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में के लोग आज भाजपा को जानने के लिए, इंडिया को जानने के लिए प्रभावित होकर यहाँ पे आ रहे हैं। उद्देश्य है कि हम हर भारत हर कंट्री से एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहता है। यहाँ से आकर वो देखना चाहते कि भाजपा कैसे वर्क होगी, प्रभावित होकर वो अपनी कंट्रीज में जाएंगे, बताएंगे और इंडिया और उस कंट्री का एक साथ मिलके एक अच्छा गुड रिलेशनशिप रहेगा और आने वाले समय में अच्छा व्यापार और एक्सचेंज और ट्रेड एक्सचेंज और नॉलेज एक्सचेंज हर चीज में ये हम लोग को भारत को हेल्प करेगा। सुधांशु गुप्ता, प्रदेश सह संयोजक, विदेश संपर्क विभाग। A Congress MLA earlier on, and now we've had the pleasure of visiting you guys, which has been really nice because you've been so gracious with your hospitality. It's a bit overwhelming this, but it's been really nice. It's important for us getting out of Delhi sometimes and actually understanding what's going on in the states. Otherwise, we can't really tell Denmark what India is. You could say it's the largest democracy in the world, so democratically speaking it works wonders. You can also see that sort of with the state elections now. We learned a lot about the process today again, so that's only comforting to know. Should we do a last comment? So the Indian politicians represent 1.4 billion people. With us, it's only 5.9 million. So responsibility is different. No, it's two different systems. You always talk about Congress and BJP. With us, we have 12 parties in Parliament representing 5.9 million people. So it's you have gone through Rajasthan too. What did you do? A bit of the same as here. We went on a trip to see to meet the Congress MLAs and also the BJP and understanding sort of now election is around the corner and we get the results on Sunday. What's going on? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।